Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामु अलैकुम। आज हम पाए बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक प्रेशर कुकर ले लेना है। हमने यहाँ पर 6 पाए ले लिए हैं। पाए को अच्छी तरह से हमने पहले साफ़ किया है और बाद में वॉश किया है। पाए को किस तरह साफ़ किया जाता है इसका वीडियो हमने अपलोड किया है हमारी एक दूसरी पाए की रेसिपी में। उसका लिंक हम ऊपर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप ज़रूर से देखिएगा किस तरह से पाए को साफ़ किया जाता है और उसमें कभी कभी जो बाल रह जाते हैं वो किस तरह निकाले जाते हैं। 6 पाए लिए हैं हमने, प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं हम। इसमें थोड़ा नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची पाउडर नहीं है तो आप कोई भी रेगुलर मिर्ची पाउडर यूज़ करें और जितना तेज़ आप खाते हैं वो हिसाब से यूज़ करें। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इस रेसिपी में हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून अभी डाला है हमने एक बात में। 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा और 15 से 20 काली मिर्चें, ये भी डाल देंगे। 2 बड़े प्याज जिसे हमने बारीक सा चॉप किया है। हम इसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। थोड़ा ऑयल हम अभी यूज़ करेंगे और थोड़ा बाद में। अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को मिलाया है। हम इसमें 1 कप भरकर पानी डालेंगे, यानी कि 250 ml पानी। प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक, बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। आपने जो पाए की साइज़ ली है उस पर डिपेंड होता है पकने का टाइम। अगर आपके पाए ज़्यादा बड़े हैं तो उन्हें ज़्यादा देर पकाएं और अगर छोटे हैं तो आप कम देर तक पकाएं। आपके प्रेशर कुकर के हिसाब से आप टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। 15 मिनट तक पाए को हमने पकाया है, फ्लेम को ऑफ करके 10 मिनट ऐसे ही रहने दिया है। इसका प्रेशर रिलीज हो गया है, हम इसे चेक करते हैं। पाए को चेक कर लेते हैं। बस इसी तरह हमें अच्छी तरह से पाए को गलाना है, तभी ही सालन का टेस्ट अच्छा आएगा। फ्लेम को हमने हाई किया है ऑन करके और अच्छी तरह से हमें तमाम चीज़ों को भूनना है हाई फ्लेम पर, जब तक ये अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाती और जो प्याज हमने डाली है वो पूरी तरह से गल नहीं जाती। हम इसे हाई फ्लेम पर भुनने के लिए रख देंगे, तब तक इसके दूसरे स्टेप पर जाएंगे। हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल में हम 2 पीस तेज़पत्ते, 1 पीस दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3 लौंग डाल देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। पाए में भी हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, अभी हम 1 टेबलस्पून और ऐड कर रहे हैं। चलाते हुए अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अदरक लहसुन अच्छी तरह भुना गया है, हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे 2 टेबलस्पून। फ्लेम को लो किया है हमने, हम आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें गेहूं का आटा डालकर इस तरह से ग्रेवी बनाने से ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और अच्छी बनती है, बिल्कुल उसी तरह बनती है जैसे हम दावतों और शादियों में खाते हैं। फ्लेम को लो रख के चलाते हुए 2 से 3 मिनट हम इसे भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने आटे को भून लिया है, हम इसमें पानी डाल देंगे अभी। इसमें हमने 1/2 लीटर पानी ऐड किया है, पानी को बॉईल होने देंगे और पाए को चेक करेंगे। अच्छी तरह से पाए को हमने भूना है, इसे अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़रा सी भी प्याज नज़र आए हमारे सालन में। हमारा ये मानना है कि अगर ग्रेवीज़ में प्याज नज़र आ जाती है तो वो परफेक्ट तरीका नहीं है पकाने का, इसीलिए हमें अच्छी तरह से प्याज को भूनना है, भले चाहे हमें इसमें 2 से 5 मिनट ज़्यादा लग जाए। बहुत अच्छी तरह पाया भुना गया है, हम फ्लेम को बंद करेंगे और जो आटा हमने भूनकर तैयार किया है उसमें हम इसे डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। इसमें 1/2 कप पानी भी डालेंगे प्रेशर कुकर को धोकर।
एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं स्क्रीन पर। साथ में हम इसमें दही भी डालेंगे, हम यहाँ पर आधा कप दही यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह से दही को बीट करना है और डालने के बाद भी इस तरह से चलाते रहना है। दही डालते समय फ्लेम को लो रखें और इस तरह से इसे चलाएं। हम इसमें 3 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे, इस तरह से डंडी के साथ डालेंगे, खुशबू अच्छी आती है। जब इसमें इस तरह से उबाल आने लगेगा हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तेल ऊपर आ गया है। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, तभी जो तेल है वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर या बड़ी फ्लेम पर रख दिया तो इस तरह से तमाम तेल ऊपर नहीं आएगा, तो ध्यान रखें। हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, बस ऐसी ही ग्रेवी चाहिए हमें, ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। इस तरह की ग्रेवी अच्छी लगती है और ठंडा होने के बाद ये वैसे ही थोड़ी और थिक हो जाएगी। इस पर थोड़ा हरा धनिया कट करके डाल देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसे आज तंदूरी नान के साथ सर्व करने वाले हैं। हमारे चैनल पर बटर तंदूरी नान की रेसिपी अपलोडेड है, किस तरह आप बगैर तंदूर और अवन के उसे घर पर बना सकते हैं आसान तरीके से, आप ज़रूर उस रेसिपी को फॉलो करें और घर पर पाया और बटर तंदूरी नान बनाकर हमें कमेंट कर बताएं कि किस तरह कैसा बना आपका डिश। बटर तंदूरी नान का लिंक हम ऊपर दे रहे हैं स्क्रीन पर, फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर रहने देंगे फिर सर्व करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।